Let's go. Saya cabut. Kau tu ni mau kau wei. Omae wa mou shinde iru. Nani? Oa takumi de. Tang kai mo mong ji you re. Ki. Ki ke cabut ka sa dui dou yi. The food street ki. Free. Pizza Hut ke? Cheesy momo. Agra yore hoje, das pa chang dore. Ek uncle mil gaya humko. Uncle hum log ka guide karega. Uncle ka naam Assalamualaikum. ठीक है, डेढ़ घंटा लगेगा। ठीक है अंकल, तो आज चलते हैं अंदर में। yes, देखेगा सब बिल्कुल अच्छा से एक्सप्लेन करके ना पूरा। हाँ तो चंग दो मुझे कोई माना तो अंकल का ही तोड़ देने तो हिंदी से आई मुझे जो लर्निंग ने मैंने हम जो याम हाई नगांग में ना देखो लर्निंग ने आदो मैं आपने सो ये हो प्यार जो तुम क्या तो भी हो ना भी हो हाँ वही ना वही भी हाँ ना तो भी ना वो ठीक है क्या लोग का अलग डायरेक्ट चंगे अच्छा दी कोई समय ना क्यों लेते हैं ना मापान की व्यू बस चले मनुष्य एक चंग बोला अच्छा ना नेक्स्ट टाइम का तो रहा मारा चला गया मैं Yang biru, okay. Guru sir, sabse pehle aapka welcome hai Taajmahal ke andar mein. Aur abhi aap Taajmahal ke andar mein hai. Taajmahal ke four courtyard mein hai. Ye jo area hai, isko four courtyard bolte hain. Four courtyard hum isliye bolte hain, kyunki yahan four gardens four gate hai. Par yahan pe aane ke liye teen jagah se entry hota hai. Taajmahal ke jo first gate hai, west gate, jo abhi general gate hai, waise usko ke Mughal gate bhi bola jata hai. क्योंकि इसका सीधा डायरेक्शन आगरा फोर्ट के लिए जाता है। यहाँ से सिर्फ मुगल टाइम में ऑली फोर्ट मुगल एम्पायर के लिए था, अदर्स कोई नहीं आता। वेस्ट गेट और इनका दूसरा गेट है जिसके सामने एंट्री किया है, यहाँ से उनके मेहमान लोग आते हैं। आज भी वही परंपरा, जब वी आई पी आते हैं तो ईस्ट गेट से एंट्री करते हैं। और तीसरा गेट है साउथ के, जो वर्कर के लिए काम करने वालों के लिए, वहाँ से एंट्री होता है, तो साउथ गेट से। अभी जो नियम है, कोई भी कहीं से आए पर वीआईपी जाते हैं वो ईस्ट गेट से आती है। और ताजमहल का जो चौथा गेट है मेन गेट, जिसको बोलते हैं हम रॉयल गेट, रॉयल की जो नाम दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है। वैसे इसका असली नाम है शाहजहान गेट, इसको शाही दरवाजा भी बोला जाता है। ताजमहल का भी जो असली नाम है मुमताज़ महल, ताजमहल का जो नाम है असली नाम बिल्डिंग का नाम मुमताज़ महल, वैसे ताजमहल अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। इसको ताजमहल जो बनाया शाहजहान ने बनवाया था अपनी थर्ड वाइफ ममता बेगम के लिए। शाहजहान का टोटल तीन वाइफ था और तीनों वाइफ का समाधि इसी कंपाउंड के अंदर में। शाहजहान का फर्स्ट वाइफ था फतेहपुरी बेगम, उनका जो समाधि था फर्स्ट गेट के कोने पर ट्री के पीछे में फतेहपुरी बेगम। सेकंड वाइफ था सरिंदी बेगम, जो सेकंड गेट के कोने पे है। और थर्ड वाइफ था मुमताज बेगम, जिनके लिए ताजमहल आया तीसरे गेट के सामने में। ताजमहल बनना जो स्टार्ट हुआ था 1630 में स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ, 22 ईयर्स।
पूरे बिल्डिंग को 22 साल में इसको बनाया गया है और 20,000 लोग मजदूर आते पूरा ईरान से और आज से चार साल पहले ताजमहल का जो खर्चा आया था वो जितना करीब जाएंगे बड़ा होता जाएगा दूर होता जाएगा अंदर में जाकर पैक होते हैं तो आपके संग में आएगा छोटा होता चला आएगा ये इल्यूजन है ठीक है तो चलते हैं देखते हैं ठीक है तो मापा अंदगी ये अंगल दगी अंगल लो ये अंगल दगी याम चाव नो इधर ना सुम सुम चंगा सुम सुम चंगा का सुम सुम आप जो पिक्चर लगते हैं ना इल्यूजन ना वहाँ आज अभी जैसा आपने बाहर देखा था वैसे ही अंदर में है कुछ सिमेट्री के बिल्डिंग है जैसे 11 to 11 टॉप इधर में 11 बैक साइड में दोनों साइड से सेम नजर आता है जो प्रे है जो इवनिंग प्रे है आगे वाला मॉर्निंग पार्ट प्रे था ये इवनिंग प्रे है और इधर में भी सारे जैम स्टोन से मूनलाइट में ग्लिंट करता है और इधर में भी डायमंड कटिंग का शेप बना है भाई कौन लग जाता है इधर आ जाओ नहीं जी जी इधर फोटो करना मुझे तो फैमिली का आगे लास्ट आप आगे फोटो शूट करना पड़ा चाहन जमा रहे हैं नहीं हम अरे बाप अरे चिकन लंग भैया वो हम लोग आया है ना वहाँ पर अंदर से वो गेट देखिए सर जब मैंने बोला कि ताजमहल जो बनाया साजा ने ऑलिव को मुमताज के लिए टोटल 23 इयर्स के अंदर में ही मुमताज को कोडिंग टाइम हुआ कि मुमताज की डेथ होने की वजह जी की ज्यादा बिल्डिंग बनी और जो मुमताज की डेथ हुआ था अपोजिट जो है वो मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए मास्क बनाया वाइट और येलो दिखाई दे रहा है आपको वाइट और येलो हाँ दिखाई दे रहा है ना वो जो है ताजमहल जो है पूरा येलो हो गया था पोल्यूशन की वजह से आज से 15 साल पहले वो इसलिए होगी हाँ चारों तरफ से फैक्ट्रियाँ थी धुएं के भट्ठे थे केमिकल की फैक्ट्रियाँ थी चारों तरफ से धुआं ही धुआं होता था जब बारिश होती थी तो उसके अंदर में एसिड की ज़्यादा मात्रा थी वो एसिड हुआ ना जी हाँ तो इधर में ताजमहल जो है अपनी इंडिया की ना के दुनिया के हर कोने से लोग इसको यहाँ देखने के लिए आते हैं और ताजमहल को सब साफ रखने के लिए तो सबसे पहले सरकार ने वो धुएं वाली फैक्ट्री को हटाया भट्ठों को हटाया यहाँ से और फिर इस पर काम किया गया नेचुरल थेरेपी मुल्तानी मिट्टी होता है जानते हैं मुल्तानी मिट्टी इस पर लगा के इसकी घिसाई करते हैं जब जाकर ये साफ हुआ नीचे नीचे का पर वो डोम नहीं हो पाया है वो इसलिए क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है वो आपको देख रहे हैं ऊपर पर चार नौ तीन मिट्टियाँ मेटल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो वाला मिडल वाला जी हाँ उसका जो हाइट होता है दिखता छोटा सा है पर उसका हाइट ज़्यादा है उसका जो हाइट है वो 30 फुट 6 इंच का है वो 30 फुट 6 इंच का 3 माले के बराबर का है और जो मेन डोम देख रहे हैं मेन डोम भी कुछ होता नहीं है वो भी 80 फुट का डोम है 8 माले के बराबर का डोम है अगर हम इसको साफ करते हैं तो साफ करने के लिए हमें पहाड़ बांधना पड़ेगा पहाड़ बांधने के लिए हमें ज़्यादा वजन पड़ेगा तो वो इसलिए साफ नहीं हो पाया ज़्यादा हाइट की वजह से वो जो डोम है इसलिए नहीं हो पाया ज़्यादा हाइट की वजह से क्योंकि वो उसको दिया है ठीक है ठीक है ओके चलिए सर ये पुराना वाला है क्या सब कुछ पुराना सब कुछ पुराना है डिजाइन सब सब कुछ पुराना है सुस कोबर है ना वो क्यों ले पा मनु चलना भाई टिकट है मुझे ओके चलने हम वीडियो में ये गुजार से मैं तो कवर होता है ममताज का साजन का दोनों का है पर अंदर में दोनों का डमी है डुप्लीकेट है असली वाला तो नीचे में होती है जितना आप नीचे से ऊपर आए उतना नीचे उतरना पड़ता है अंदर में जाके तो पहला वाला ममताज का दूसरा वाला साजन का वो अंदर में मिलेगा आपको दिखाएंगे आ जाइए Yeah.
आपको 1 2 3 4 जैसा नीचे से वैसे ऊपर तक पूरा बनाया हुआ है, पर आप थोड़ा पीछे हट कर देखते हैं तो आपको और ज़्यादा दिखेगा। इधर देखिए, मैजिक दिखेगा, मैजिक लगेगा। देखिए इधर, देखिए इधर पे आके ऐसा लगेगा अब तो ज़्यादा है। जो 4 है ना, देखो 8 होता है, 8 दिखता है अंदर में। अच्छा लगा ना जी, याम दे रहा है लाठो का ले, याम जा रहा है चल रहा है। हाय, बहुत 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 पॉइंट देखो आप। चलिए मैं बोले खबर भाई। ओके हाँ ओके। तो सर आपने सुना होगा जो वर्कर लोग आए थे उनका हाथ काट दिया था। हाँ हाथ काट, एक्चुअली वो ऐसा नहीं था, ऐसा वो हिंदी का मामला था कि काम ना करने देना, हाथ काट देना। जब शाहजहां ने उन वर्करों को यहाँ काम पे लगाया था तो उनसे भी एक एग्रीमेंट कराया हुआ था कि आप जब तक यहाँ रहेंगे, ईरानी जितना भी ईरान से लोग आए हैं, जब तक आप भारत में रहेंगे तो सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करोगे। तो ये सारा काम खत्म कम्प्लीट हो गया था, तो शाहजहां ने उन सभी वर्करों का पूरा पेमेंट कर दिया, प्लस अलग से उनको इनाम भी दिया था। पर किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई थी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जाने के बाद ऐसी बिल्डिंग और न बना दें। तो शाहजहां ने उनको बिजी रखने के लिए एक प्लान और बनाया था। जो बिल्डिंग जो बनाया था ओनली फॉर मुमताज़ के लिए, शाहजहां ने एक बिल्डिंग और बना रहे थे ब्लैक ताजमहल, उसके बैक साइड में वो जो खाली जगह दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं ना, वहाँ वो एक ताजमहल और बना रहे थे ब्लैक ताजमहल, पर वो बन नहीं पाया उसके बेटे औरंगजेब की वजह से, ज़्यादा खर्चे की वजह से। क्योंकि उस बिल्डिंग का जो खर्चा था 20 करोड़ का, इसका तो 4 करोड़ का, उसका 20 करोड़ का, क्योंकि उसका जो मटेरियल था वो था ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल फ्रॉम बेल्जियम, वहाँ से लाया जाता, और उसके ऊपर में जो सारा कार्विंग होता वो सारा डायमंड होता, इसके ऊपर में सारा जैमस्टोन है, उसके में सारा डायमंड होता जो डे और नाइट के नहीं होता। अगर वो बनकर तैयार हो जाता तो डे लाइट में जो वाइट होता वो ब्लैक होता, नाइट में वो वाइट होता डायमंड की चमक से जो ब्लैक होता, ऐसा लगता आपको दिन में अगर वो खड़ा होता तो डे लाइट में जो वाइट वो ब्लैक, ऐसा लगता इसकी छाया यहाँ पड़ रही है। नाइट में वो वाइट होता जो ब्लैक होता, ऐसा लगता उसकी छाया यहाँ पड़ रही है, ऐसा रिफ्लेक्शन बनाने जा रहे थे। जब उसके बेटे औरंगजेब को मालूम पड़ा कि साहब मेरा फादर एक बिल्डिंग बना चुके हैं, उसमें हमारा आधा खजाना खाली हो गया है, अब वो दूसरा बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जो बहुत महंगा है, वो पूरा हमारा खजाना खाली हो जाएगा, तो उसने अपने फादर को मना किया कि बिल्डिंग ना बनाओ ब्लैक टाइप में। शाहजहां को बुरा लगा कि मेरा बेटा को मुझे मना करता है, मैंने अपने दादा के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए, वाइफ के लिए, दिल्ली का रेड फोर्ट, लाहौर का रेड फोर्ट, ज़्यादातर जो बिल्डिंग बनाई थी वो शाहजहां ने बनवाया था मुगल काल में। अब मैं अपने लिए मकबरा बना रहा हूँ तो मेरा बेटा मुझे बता रहा है क्या करना है, जिसमें कि मैं भी राजा हूँ, मैंने अभी गद्दी भी नहीं छोड़ी है। तो शाहजहां ने प्लान बनाया था औरंगजेब को बेदखल करने का, पर उससे पहले ही औरंगजेब ने मीटिंग करने के बहाने से शाहजहां को अरेस्ट कर लिया। वो सामने में आगरा फोर्ट है, वो दूर में दिखाई दे रहा है, वहाँ वो आगरा फोर्ट है, वहाँ पे अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया था। और औरंगजेब नहीं अपने तीन भाई को, दारा शकोह, मुराद और सुजात, उन तीनों को भी अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया था। यानी कि औरंगजेब ने शाहजहां को पूरा तख्तापलट कर दिया और खुद राजा बन गया था। ओके ठीक है, Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit? ताजमहल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हीरे जवाहरात भी थे, जैसे रूबी, एमराल्ड, सपायर, टोपाज, स्टार ऑफ इंडिया, कोहिनूर, इन्हीं मुगलों का था जो ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने उसको वहाँ से सारा रिप्लेस कर दिया। और जो टॉप पे लगा हुआ है मेटल वाला पार्ट वो भी सोने का था, उसको भी हाँ चमक रहा है ना अभी, बिल्कुल हाँ, अभी तो ब्रॉन्ज मेटल का है, पर मुगल टाइम में सोने का था, जो ब्रिटिश टाइम में अपने टाइम में सारा चेंज करके सारा ले गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर मुगल एम्पायर का जो है हिस्ट्री, वैसे मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो पहला एम्पायर था वो था बाबर। हाँ? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। हाँ? अकबर ने अपना आगरा को अपना कैपिटल चुना था, और आगरा में अकबर का बनाया हुआ लाल किला होता है, जिसको हम रेड फोर्ट भी बोलते हैं, लाल किला भी बोलते हैं। बनवाया है आज के लिए यहाँ पर खत्म हो गया, खत्म होता है। थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बाद में मिलते हैं हम। यस वेलकम, मोस्ट वेलकम। बोले नशी की थी वीडियो से अदो मागी यम नुवा ने मा दिखो रहा कोई अदो खांग ना रहा। हाँ दे मा वंद लोय नमक कंटेक तो रहा मोंद हा टिकट का लोय का ले ना अदो अदम नुवा चंग या ले नोय जो
चपदको माइन नंबर दो आई डिस्क्रिप्शन दाप चरमगे अदुगो अदुम नय के गुमा लाग तारगदि अदुम मागे तोर कांटेक्ट टोनर गो हानदगी एडवांस होइना नयना टिके के काक हलमगा अलमाइना चतलासु याय अदुगी दमकता आइना नय दमकता केनो हाप चरमगे आइ माइ फोन नंबर हाप चरमगे डिस्क्रिप्शन दा मयाम येंग बिरो आ ngसी दि लोरे तासमाल येंगरे ngसी तासमाल अरो मयाम नुवाइबर नुवाइ तबरा वीडियो दो कमेंट दा हाइबेट हाइबिरोमो अरो ngसी दि लोजारे युम हनदोरे हुजे अदुगा आइ फोटो के कादो फजा फजा फन आमनामे फोटो दो हमरा आइ होरेन लोइनम लास्ट लोइ हाप चरमगे मयाम लोइबो फोग येंग बिरो फोटो दु सुयेंग बिरो थैंक यू वेरी मच मथंग नमु थेंनारसे मथंग गिदामु फजा मम 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 ऐ नम नब तौगे थैंक यू एवरीवन बाय बाय वाह तास बाय बाय But there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming and thank you for trying to do anything to make me smile. Thank you everyone for watching my video. Aduga like to biramba amadi dislike to biramba di kaupi kano मरमदि डिसलाइक तौरपछु आइ केम तो वराउ जरोय फजरगन अदुम लाइक तो बियु अदुगा फजरगन डिसलाइक तो बियु अदुगा डिसलाइक तो इदुगि मरम दो कमेन्ट अदुम बिबिरमो मरमदि एंगोन द कैके वाली क्रिएशन दो अनिनि हाबरि मोटिवेट तो वेन एंगोन द आइ असोय बर का दुम मयाम हाबि बयागनि अदुगा मथंग द हेन फजबा वीडियो पुतोर नबा प्लीज कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू एवरीवन